खानदान के ऊपर इस तरीके से स्लैब बनाया जाता था। ये आजकल देखने में नहीं मिलता, क्योंकि आजकल जो मकान बनते हैं या कोठियां बनती हैं वो अलग डिज़ाइन से बनती हैं। मगर उस वक्त ये नई चीज़ रही होंगी, उस वक्त ये फैशन की चीज़ रही होंगी। ये ऊपर से देख लीजिए चौधरी छोटू राम की नीली कोठी, यहाँ पे रहते थे। हाँ। उस साइड जी बैठ के होती थी। गांव देहात में कच्चे मकान होते थे और पक्का मकान एक सपना होता था। उस वक्त एक तो पक्का मकान, ऊपर से कोठी, सोने पर सुहागा, कितनी बड़ी बात रही होगी। और उस वक्त इस इतनी भव्य कोठी में कितना पैसा खर्च हुआ होगा आप अंदाज लगा लीजिए। और जिस वक्त 3 या 4 रुपए क्विंटल गेहूं होता था, उस वक्त इस कोठी में जो जिस तरीके से बनाया गया है, इस कोठी में कितना खर्च हुआ होगा सेठ छाजूराम जी ने चौधरी छोटू राम जी के लिए, किस तरीके से कितनी भव्यता के साथ इस कोठी को तैयार किया होगा। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। ये इकबाल का शेर है और इकबाल के शेर को अगर किसी ने पूरी तौर से ज़िंदगी में उतारा तो उस महापुरुष का नाम चौधरी छोटू राम है। दाएं बाएं की बात नहीं करते, सीधा मुद्दे पर आते हैं। चौधरी छोटू राम की नीली कोठी जो रोहतक में है उसके बाहर खड़े हैं, और चौधरी छोटू राम हो या बाकी हमारे नेता हो या फिर बाकी राजतंत्र की बात करें, राजा महाराजा हो, उनके जीवन को जानने की दिलचस्पी लोगों में बनी रहती है। उनके बारे में, उनके रहन सहन के बारे में, परिवार के बारे में, उनके घर, उनकी कोठियाँ, उनके महल, उनके जीवन के बारे में जानने की लोगों की उत्सुकता बनी रहती है। और इसी कड़ी में आज आपको चौधरी छोटू राम की प्रसिद्ध नीली कोठी के दर्शन कराएंगे। किस तरीके से कोठी बनी हुई है वो आपको दिखाएंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं नेम प्लेट से। ये देख लीजिए, सबसे पहले 1928 ये लिखा हुआ है, ओम 1928 प्रेम निवास चौधरी छोटू राम एडवोकेट। जैसा कि चौधरी छोटू राम का मानना था, वो धार्मिक तौर से आर्य समाज की विचारधारा को मानते थे, इसलिए ओम यहाँ पर लिखा हुआ है। और उनका एक कहना और था, उनका मानना ये भी था कि धर्म को राजनीति से दूर रखो, धर्म जो है वो व्यक्तिगत मसला है, उसको राजनीति से दूर रखना चाहिए। खैर, शुरुआत करते हैं कोठी की। आप ये कोठी देख लीजिए जो 1928 में बनी थी। कहा जाता है कि 1926 में इस कोठी के बनने की शुरुआत हुई थी, और जो सेठ छल थे वो उन्होंने इस कोठी को बनवाया था चौधरी छोटू राम के, एक किस्म से वो फाइनेंसर आज की भाषा में कह सकते हैं। चौधरी छोटू राम की हर मसले पर, हर मामले में उन्होंने मदद की, पढ़ाई लिखाई से लेकर, और जब तक चौधरी छोटू राम इस संसार में रहे तब तक सेठ छाजूराम उनकी आर्थिक तौर पर या हर नज़रिए से मदद करते रहे। ये कोठी, नीली कोठी 1928 में बनकर तैयार हुई। 1926 में इसका काम बताया जाता है कि इसका काम शुरू हुआ। और जब आप इस कोठी को देखते हो तो कहीं ना कहीं महसूस होता है, कहीं ना कहीं हम अनुभव करते हैं कि चौधरी छोटू राम के जो भी किए गए काम थे, चौधरी छोटू राम ने जो भी किसान मजदूर के लिए, जो समाज के लिए किया, वो कहीं ना कहीं हमें महसूस होता है चौधरी छोटू राम की इस कोठी में आकर। नीली कोठी इसको कहा जाता है, नीली कोठी इसलिए कि शुरू से ही इस पर जो नीला कलर है, रंग है, वो इस पर किया गया है, और इसलिए इसको नीली कोठी कहा जाता है। उस साइड में आप देख लीजिए पार्क है, ये पार्क देख लीजिए नीली कोठी का, चौधरी छोटू राम की कोठी का ये पार्क देखिए। वो सामने ये कमरे, हमने जब पूछा तो बताया गया कि ये कमरे बाद में बने हैं, जो बाहर से मेहमान जो आने जाने वाले वर्कर जो है उनके लिए बाद में बनाए गए थे। और ये जो मुख्य भाग है, ये कोठी का मुख्य भाग है, इसका जैसे जिस घर से हम, जिस द्वार से हमने एंट्री करी, दो इसके मुख्य द्वार है, दो गेट हैं, एक गेट इस तरफ है रोहतक में, एक गेट दूसरी तरफ है। ऊपर आपको दिखा देते हैं चौधरी छोटू राम की नीली कोठी ऊपर से कैसी दिखती है। ये मेन गेट से एंट्री करते ही हम सीधा ऊपर की तरफ, ही दरवाज़ा है, ये ऊपर का नज़ारा है नीली कोठी का, चौधरी छोटू राम की कोठी का। आज के लेक्चर से ये हवा
ये रोशनदान जिनको हम कहते हैं, पुराने वक्त में रोशनदान इस तरीके से होते थे और रोशनदान के ऊपर इस तरीके से स्लैब बनाया जाता था। ये आजकल देखने में नहीं मिलता क्योंकि आजकल जो मकान बनते हैं या कोठियां बनती हैं वो अलग डिज़ाइन से बनती हैं, मगर उस वक्त ये नई चीज़ रही होंगी, उस वक्त ये फैशन की चीज़ रही होंगी। ये ऊपर से देख लीजिए चौधरी छोटूराम की नीली कोठी, ये ऊपर का नज़ारा है, ये उधर कमरा है जिसको चौबारा कहते हैं। ये उसी वक्त का है, कितने ध्यान में रखकर इस कोठी को बनाया गया होगा, जैसे वेंटिलेशन के लिए कमरे से रिलेशन है इसका नीचे जी, ये वेंटिलेशन के लिए हम कह सकते हैं। जैसे आग जलाते थे ना सर्दियों में, पहले ही ट्रैक्टर नहीं होते थे, वहाँ आग जलाते थे शेक लगा। हम इनका परिचय आपको दे देते हैं, इनका परिचय अगर नहीं देते तो ये अन्याय होगा। ये भाई साहब हैं जो कोठी में रहते हैं और हमारे एक किस्म से आज के लिए चौधरी छोटूराम की कोठी के गाइड हैं। ये बताएंगे, क्या नाम है भाई? कपिल शर्मा जी। कपिल शर्मा जी, कितने दिन से रहते हो? मैंने 17 साल हो गए। 17 साल, तो चलिए कोठी हमें एक एक वो चीज़ दिखा दीजिए जिस पर चौधरी छोटूराम की छाप लगी हुई है। ये सारा पुराना है जी, इनसे लगा तो आवाज़ पे। ये उसी टाइम का, ये सब छत पे आपको मिलेगा जी। ये जो लगा हुआ है किनारे पर, ये है, ये जो लैंप टाइप लगा हुआ है ये उसी वक्त का है। आप देख लीजिए उस वक्त इस तरीके के लैंप हुआ करते थे जो कोठियों पर साज सज्जा के लिए लगाए जाते थे। ये जो दरवाजे हैं कपिल भाई, ये दरवाजे भी उसी टाइम के हैं। ये दरवाजे भी देख लीजिए कितनी मजबूत लकड़ी रही होगी, 100 साल पुराने ये दरवाजे हैं। ये देख लीजिए ये दरवाजे, और स्लैब की बात करें देखिए, इसको छज्जा बोलते हैं, इसको छज्जा बोलते हैं इसको। अब ये कौन सा पत्थर है, राजस्थानी पत्थर है या कोई और पत्थर है वो मुझे जानकारी नहीं, मगर मैं इतना जानता हूँ कि इसको छज्जा बोलते हैं। और सारी कोठी में यही इस तरीके से लगे हुए हैं। ये देख लीजिए, ये पानी के निकलने की व्यवस्था है, ये यहाँ भी है, और पानी आजकल तो पाइपों से निकल। ये कोठी का दूसरा भाग है, यहाँ पर उस टाइम कपिल जी, यहाँ पे चौधरी छोटूराम जी की रिहाइश होती थी और ये आने जाने वालों के लिए था शायद। ये यहाँ पे रहते थे, उस साइड जी बैठ के होती थी। अच्छा अच्छा, हाँ जी। ये सारी रिहाइश है, ये ऊपर चौबारा जो है कमरा ऊपर, ये जी आने जाने के लिए जो आते थे। अच्छा अच्छा अच्छा, और वो उस साइड में आने जाने वाले हो गए, इस साइड में परिवार रहता था। ये चौधरी छोटूराम की नीली कोठी का ऊपर से नजारा है, मंजिल पे और चलते हैं, आपको और ऊपर लेके चलते हैं, और ऊपर से नीली कोठी कैसी दिखती है वो आपको दिखाते हैं। इस वक्त देखिए, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात और बता देता हूँ कि 1926 में जब गांव देहात में कच्चे मकान होते थे और पक्का मकान एक सपना होता था, उस वक्त एक तो पक्का मकान ऊपर से कोठी सोने पर सुहागा, कितनी बड़ी बात रही होगी। और उस वक्त इस इतनी भव्य कोठी में कितना पैसा खर्च हुआ होगा आप अंदाज लगा लीजिए। और जिस वक्त 3 या 4 रुपए क्विंटल गेहूं होता था, उस वक्त इस कोठी में जो जिस तरीके से बनाया गया है, इस कोठी में कितना खर्च हुआ होगा सेठ छाजूराम जी ने चौधरी छोटूराम जी के लिए, किस तरीके से कितनी भव्यता के साथ इस कोठी को तैयार किया होगा। ये कौन सा पेड़? बड़े पत्तों वाला है ये जो पेड़ है, ये भी कपिल भाई हमें बता रहे हैं कि चौधरी छोटूराम के वक्त का ये पेड़ है, 1928 से लेकर और आज 2021 है, 100 साल होने में 6 या 7 साल बाकी हैं। ये लगभग 93-94 साल पुराना पेड़ है। वो लैंप आप देख सकते हैं ऊपर से जो गार्डन दिखाई दे रहा है, वो लैंप देख लीजिए, वो लैंप भी लगभग 100 साल पुराना है। जिस वक्त ये कोठी बनी थी उसी वक्त उस लैंप को भी यहाँ पर लगाया गया था, वो लैंप देख लीजिए। और पूरी कोठी का एक बार नज़ारा
देख लीजिए, जो सामने आप शहर देख रहे हैं उस वक्त यहाँ पर बताया जाता है कि खाली जगह थी, शहर इतना डेवलप नहीं हुआ था, आसपास भी शायद कोई बिल्डिंग विल्डिंग नहीं बनी थी। और इसको कहें कि एक तरीके से जो चौधरी छोटू राम के अनुयायी हैं, जिनके लिए चौधरी छोटू राम मसीहा हैं, उनके लिए ये एक पवित्र धाम है, उनके लिए ये एक मंदिर है। चौधरी छोटू राम की कोठी, नीली कोठी, किसानों के लिए, उनके अनुयायियों के लिए, उनके मानने वालों के लिए ये एक किस्म का मंदिर है। ये कुर्सी है लोहे की, ये उसी वक्त की कुर्सी है, इसको बड़ा संभाल के रखा हुआ है, इस पे पेंट वेंट सब इसको मेंटेन रखा हुआ है। 100 साल पुरानी, 1926 में कहा जाता है कि कोठी बनी थी, 1928 में तैयार हुई, और उसी वक्त की ये कुर्सी भी है। उसी टाइम का ऊपर का हिस्सा हमने कोठी का आपको दिखाया, बाहर का दिखाया, अब ये जो पार्ट है वो आपको दिखाते हैं। एक महत्वपूर्ण चीज़ और देखिए, ये जो पानी निकलने की व्यवस्था की गई है, ये जो पाइप देखिए आप ऊपर से, आजकल ऐसे पाइप देखने को नहीं मिलते, ये आपको ज़रूर देखने को मिलते होंगे, मगर ऊपर जिस तरीके से उसको चौड़ा किया गया है वैसे पाइप आजकल देखने को नहीं मिलते। ये जो है, ये पुराने थाम, पुरानी सीमेंट, पुरानी ईंटें, 100 साल पुरानी, इनको मेंटेन रखा गया है। अब अंदर का हिस्सा आपको दिखाते हैं कोठी का, ये ड्राइंग रूम जिसको हम कहते हैं वो है, ये आपको दिखा देते हैं। ये उस टाइम के दरवाजे, ज़रूर बिल्कुल, ये दरवाजे आप देख लीजिए, ये इसके अंदर शीशा है, शीशे को पेंट किया गया है, और ये उस वक्त का डिज़ाइन आपने पुरानी फिल्मों में, मैंने भी देखा है, आपने भी देखा होगा, ये डिज़ाइन उस वक्त का पुराने दरवाज़ों का। आप इनके हैंडल देखेंगे तो आपको लगेगा हाँ वाकई में 100 साल पुराने हैंडल हैं, क्योंकि आजकल ऐसे डिज़ाइन नहीं आते। ये हैंडल देख लीजिए, जो 1926 में जब कोठी बननी शुरू हुई, 1928 में कोठी बनी, तो इस तरीके के 100 साल पुराने ये हैंडल होते थे, और ये पीतल के शायद हैं, लोहे के नहीं लग रहे। और ये पहले एक बार हॉल दिखा देते हैं, फिर इस हॉल के अंदर जो जो चीज़ें चौधरी छोटू राम की याददाश्त के तौर पर रखी गई हैं वो आपको एक एक करके दिखाएंगे। पहले ये हॉल देख लिया आप, देखिए आप ये पंखा देख लीजिए, ये पंखा भी बहुत पुराना है, और इसके डिज़ाइन से लगता होगा कि वाकई में ये पंखा पुराना है। ये फ़ोटो चौधरी छोटू राम जी की ये फ़ोटो है, ये किताबें यहाँ पर रखी हुई हैं, ये फ़ोटो उनकी आप देख सकते हैं, ये चौधरी छोटू राम जी की बहुत पुरानी फ़ोटो है, और ये इधर उनके जो भतीजे थे चौधरी श्रीचंद, जो हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष रहे हरियाणा बनने के बाद, ये यहाँ पर अलाव जिसको हम कहते हैं वो आप देख लीजिए, यहाँ पर जैसे सर्दी में आग जलाने की व्यवस्था थी, और इसका जो धुआं निकलता था वो ऊपर हमने आपको दिखाया वेंटिलेशन के लिए, वो यहाँ पर था। ये वो कपिल जी, ये क्या है, ये बोतल सी क्या है? ये जी विस्की है जी, विस्की। दिखाना ये बोतल, ये ऊपर जो बाज का था जी, अच्छा गया था। कौन सी कंपनी की भाई, मुझे तो गोल्डन ईगल, ये अंग्रेजों के जमाने की शराब की बोतल है, गोल्डन ईगल इसका, इस पे नेम प्लेट लगी हुई है, नाम लगा हुआ है। ये बोतल देख लीजिए, बड़ा आपको भी पुरानी चीजें आज देखने को मिलेंगी। ये बोतल देख लीजिए, ये हालांकि चौधरी छोटू राम आर्य समाजी थे, उनका शराब से कोई दूर दूर का नाता नहीं, मगर याददाश्त के तौर पर उस वक्त की इन चीज़ों को सहेज कर रखा गया है। ये यहाँ पर आग की व्यवस्था थी, ये सीधा ऊपर निकलता जी। अच्छा, ये ऊपर सीधा जो ऊपर वो पाइप था ऊपर निकलता जी। अच्छा, जी। ये जो चौधरी छोटू राम जी के वंशज हैं, चौधरी श्रीचंद के बेटे, उनके पोते, ये उनकी तस्वीरें हैं, ये भी पुरानी है कपिल जी। अच्छा, ये खिड़कियां देख लीजिए, ये खिड़कियां उसी वक्त की हैं, इस तरीके से पहले खिड़कियां बनाई जाती थी, उनके ऐसे हैंडल लगाए जाते थे, और ये इसको
ये प्लेटें पुरानी है, आप उधर जाओ, इनको माइक लगा दे रहा आवाज भी अच्छी रही। ये उसी वक्त की है सारी, ये नीचे वाली, ये अच्छा 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 नीचे वाली उस टाइम की है, ये जो केतली है ये उसी टाइम की। अच्छा अच्छा ये केतली है, ये चौधरी छोटू राम के वक्त की केतली है, जिसमें वो चाय पीते रहे होंगे, जिसमें उनके मेहमानों के लिए चाय बनती होगी। ये सुरक्षित यहाँ पर रखी हुई है, इनको परिवार ने सहेज कर उनके धरोहर के रूप में रखा हुआ है। ये फोटो देख लीजिए, चौधरी छोटू राम का फोटो है, पुराना फोटो। ये चौधरी छोटू राम है और बाकी लोगों को ये मंत्री रहे होंगे हम तो, ये असेंबली हो सकता है उनका, अंग्रेजों के टाइम की है जी। कोई डेलीगेशन का फोटो लगता है, इस पे लिखा नहीं हुआ है किस पर्पज के लिए फोटो है, मगर ये चौधरी छोटू राम का उस वक्त का फोटो है। ये जो पेंटिंग है ये तो पुरानी, अच्छा अच्छा ये वो देखिए चौधरी छोटू राम की वो पुरानी फोटो है, और साइड में आप देखोगे वहाँ दिखाइए भाई, वो चौधरी श्रीचंद जो उनके भतीजे थे, जो उनकी मृत्यु के बाद जिन्होंने उनकी राजनीति को संभाला, वो उनका उनकी तस्वीर है। ये फोटो देख लीजिए, चौधरी श्रीचंद जी की फोटो है, चौधरी छोटू राम के भतीजे जिनको उन्होंने गोद लिया था। और ये तस्वीरें परिवार की तस्वीरें हैं, जो चौधरी श्रीचंद जी का परिवार है उनकी तस्वीरें हैं। ये चौधरी छोटू राम की पुरानी तस्वीरें हैं, ऊपर देख सकते हैं। और ये आपको दिखाते हैं उस एक नई चीज़ आपको दिखाते हैं, ये देखिए उस वक्त रेगुलेटर भी होता था यहाँ। हमें ये देखने के बाद पता लगा कि उस वक्त रेगुलेटर भी होता था, और ये जो बटन हैं बिजली के, ये 100 साल पुराने हैं, ये आज भी बड़े अच्छे से काम करते हैं और इनको बदला नहीं गया है। ये फिटिंग के लिए देखिए, ये फिटिंग देख लीजिए, और रेगुलेटर ये शायद जाम हो रखा है आजकल, इसका यूज़ नहीं। स्पीड को कम, हाँ बिल्कुल बिल्कुल हो रहा है बिल्कुल, इसको ये रेगुलेटर है, ये आप देख लीजिए, ये पंखे का रेगुलेटर है, ये थोड़ा सा जोर लगा के चलता है, और ये बटन है 100 साल पुराने लगभग, ये बटन है आज भी प्रॉपर वर्क करते हैं, ये काम करते हैं। और ये देखिए ये टेबल सी आप देख रहे हैं, ये आपने पुराने जो महापुरुष हैं उनके फोटो में देखा होगा, टेबल रखी होती थी। इसका जो पर्पज़ है वो ये बताया कि जब खाना खाते थे तो इस पर बर्तन रखा जाता था, उसमें हाथ धोने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। हो सकता है किसी और भी पर्पज़ के लिए इसको यूज किया जाता हो, फोटो खिंचवाने के लिए या बुक रखने के लिए इसका यूज हो सकता है। ये केतली आपने नहीं देखी होगी, ये केतली देखिए उसी वक्त की है, ये इसको पेंट डिज़ाइन किया हुआ है, पेंट हो सकता है बाद में किया हो, मगर ये टेबल और ये केतली उसी वक्त की है, बड़ी मजबूत लग रही है। ये चौधरी छोटू राम के वक्त की है, और ये भी चौधरी छोटू राम के वक्त की जो डिज़ाइन है वो उसी वक्त का है जिस वक्त ये बनी। और ये हमने दिखाया आपको फिटिंग, देखिए ये फिटिंग भी उसी वक्त की है बिजली की, और कितनी मजबूत फिटिंग ये है। अगर ये लगभग 100 साल इसको होने को है, इसमें कोई दिक्कत नहीं नज़र आती। जब हमने पूछा कि ये उसी वक्त की है और इसके अंदर कुछ मेंटेनेंस किया या इसके अंदर कुछ बदलाव किया, तो परिवार का कहना है कि कोई बदलाव नहीं किया गया, ये बटन भी उसी वक्त के हैं, ये आज भी प्रॉपर काम करते हैं। आप देख सकते हैं ये वही मेज है, दरवाजे हम आपको दिखा चुके हैं, ये भी वही टेबल है जिस पे खाने के बाद हाथ वाथ धोने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। ये फर्नीचर जो है ये दरवाजे भी उसी वक्त के हैं, ये पुराने दरवाजे हैं, और ये आप देख लीजिए जैसा पुरानी फिल्मों में होता था वो यहाँ पर चौधरी छोटू राम की कोठी का ये सीन है, जैसा पुरानी फिल्मों में हम देखते थे, हूबहू वैसी की वैसा का वैसा नज़ारा आप देख सकते हैं चौधरी छोटू राम की नीली कोठी का। अब बाकी उधर हिस्सा है, पार्ट है, और ये भी आपको दिखा देते हैं, ये देखिए ये उसी वक्त का है, ये थोड़ा सा इसकी हालत थोड़ी सी ख़राब है, मगर ये उसी वक्त का है, शीशा है, लकड़ी का बनाया हुआ है, ये आप देख लीजिए, ये इसको ड्रेसिंग टेबल हम कह सकते हैं आज की भाषा में, उस वक्त इसको क्या कहते होंगे नहीं पता, मगर आजकल इसको ड्रेसिंग टेबल कहते हैं। ये बड़ी मजबूत लकड़ी है, किस चीज़ की है ये नहीं पता,
जब ऐसी चीज़ें हम देखते हैं तो उस दौर की याद आती है, और वो दौर कैसा रहा होगा इन चीज़ों से हम अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं। ये दूसरी साइड का गेट है जो हमने जैसे शुरू में बात की थी और ऊपर से आपको दिखाया भी था। ये पेड़ देख लीजिए, ये चौधरी छोटूराम के वक्त का पेड़ है और आज भी इस पर फल लगता है। ये लगता है कि हाँ ये पेड़ 100 साल पुराना होगा। देख लीजिए, जब 100 साल पुरानी चीज़ें इस तरीके से देखने को मिलती हैं तो थोड़ी दिलचस्पी बढ़ती है। ये कोठी का दूसरा पार्ट है जिसको आजकल थोड़ा सा इसको यहाँ पर काम चला हुआ है। ये ऊपर से हमने दिखाया था, यहाँ से अगर इस गेट से एंट्री करते हैं तो ये हिस्सा पहले आता है, उस गेट से एंट्री करते हैं वो ऊपर वाला और वो हिस्सा सामने आता है। तो ये थी चौधरी छोटूराम की नीली कोठी जो हमने आपको शुरू से आखिर तक दिखाई। और हमें भी ये लगा कि हम अपनी पत्रकारिता के साथ इस तरीके की चीज़ों को आप लोगों के सामने लाकर न्याय कर रहे हैं। फिर हाजिर होंगे किसी नई स्टोरी के साथ, किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।